हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की वीडियो में बात करने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 के मैच नंबर 20 और 21 दोनों की बात करेंगे। इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड मैच नंबर 20 और उसके बाद अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच नंबर 21 खेला जाएगा। दोनों मैच का प्रीव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, तो जरूर से वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो भाई उससे पहले आपको बताना चाहूंगा फन 88 के बारे में। इस वर्ल्ड कप में अगर आप मैच विनर टीम्स प्रेडिक्ट करके पैसे जीतना चाहते हो या फिर मैच में कितने रन बनेंगे ये सब प्रेडिक्ट करके पैसे जीतना चाहते हो तो फन 88 आपके लिए सबसे बढ़िया साइट है। स्पोर्ट्स एक्सचेंज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि आपको दूसरे किसी भी बड़ी ब्रांड की साइट पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फोनपे पेटीएम के डिपॉजिट ऑप्शन मिलते हैं कई सारे। यहाँ पे आपको अभी डिपॉजिट के ऊपर ऑफर भी मिलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर साइट है, डायरेन सैमी इस साइट के ब्रांड एम्बेसडर भी है। वही शुरुआत करेंगे इंग्लैंड और आयरलैंड के मैच के साथ। इंग्लैंड ने अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, पर्थ में मुकाबला खेला था। बॉलिंग जबरदस्त की थी, सैम करने तो पंजाब खोल दिया था, 5 विकेट निकाले थे। बाकी भी बॉलर्स मार्क वुड, क्रिस वोक, सभी का दिन अच्छा रहा था। पर जब बैटिंग में टीम टारगेट चेज करने आई, छोटा सा टारगेट था पर उसे चेज करने में उन्होंने 19 ओवर लगा दिए। 19 ओवर में टारगेट को चेज किया था तो चाहे जितने बड़े मार्जिन से मुकाबला जीतना चाहते होंगे खासकर टारगेट को देखते हुए, उतने बड़े मार्जिन से तो मुकाबला नहीं जीत पाए और उससे ना खुशी होंगे क्योंकि जिस ग्रुप में यह है यहाँ पर 100 पे भी क्वालिफिकेशन की बात आ सकती है। वैसे इस मैच में इंग्लैंड को चेंज तो अपने प्लेइंग 11 में नहीं करना चाहेंगे, जो पिछले मैच में टीम थी उसी को खिलाना चाहेंगे। आगे इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा मुकाबला आने वाला है तो उससे पहले टीम पूरे तरीके से तैयार रहना चाहेगी। आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड ने राउंड 1 में काफी अच्छा खेला था पर जो पहला इनका सुपर 12 का मुकाबला था श्रीलंका के खिलाफ उसमें इन्होंने मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती कर दी। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। ये टीम काफी अच्छा खेलती आ रही है, राउंड 1 में जबरदस्त खेला था, वेस्ट इंडीज को हराया था। मुझे उम्मीदें थी कि ये टीम सुपर 12 में भी अच्छा करेगी पर जिस तरीके से इन्होंने गलत फैसला लिया, मुकाबला कॉस्ट कर लिया, इनके लिए एक मुकाबला काफी कीमती होगा तो वो मेरे ख्याल से नहीं आगे टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा चीज खेलेगी। वो मुकाबले ये जीत भी सकते थे, श्रीलंका को हरा सकते थे पर टॉस में गलत फैसले के कारण इन्होंने मुकाबला हार दिया। रिकॉर्ड देखा जाए, ग्राउंड की कंडीशन देखा जाए तो वहां पे क्लियरली पहले बॉलिंग करना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन होता। आयरलैंड के कुछ की प्लेयर्स की बात की जाए तो पॉल स्टर्लिंग, एंडी बालबर्नी, इसके अलावा हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, ये बैटिंग में की प्लेयर्स होंगे। बॉलिंग में टीम के पास जोशुआ लिटल, मार्क डायर, सिमी सिंह, ये कुछ की प्लेयर्स है तो टीम अच्छी और इस मैच में जगह इंग्लैंड को अच्छी खासी टक्कर भी देंगे। हराना शायद इंग्लैंड को आसान नहीं होगा, इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत है पर आयरलैंड से मैं अच्छी खासी टक्कर की उम्मीद रख रहा हूँ। ये मैच वैसे एमसीजी में खेला जाएगा। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला गया था उसमें देखने को मिला था शुरुआत में पिच में बॉलर्स के लिए मदद है, फास्ट बॉलर्स के लिए खासकर यहाँ पे मदद है। स्पिनर्स की यहाँ पे पिटाई होगी। इंग्लैंड के पास फास्ट बॉलिंग में मार्क वुड है, क्रिस वोक्स है, सैम करन भी अभी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इंग्लैंड का अपर डाउन वैसे भी मैच में भारी होने वाला था और कंडीशन भी इंग्लैंड को ज़्यादा सूट करेंगी तो मैच प्रेडिक्शन में रहेगा इंग्लैंड। मेरे ख्याल से ये मुकाबला इंग्लैंड की टीम जीतेगी। एक्सपेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करती है तो फिर तो अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे बनेगा। एवन एवरेज स्कोर जो यहाँ पे 160-165 का रहता है उससे भी ज्यादा आप उम्मीद रख सकते हैं पर आयरलैंड पहले बैटिंग करता है तो फिर 140 के आसपास का ही आपको मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो खैर दिन के दूसरे मैच की बात करेंगे जो कि मैच नंबर 21 अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का होगा। न्यूजीलैंड ने वैसे सभी को पहले ही मैच में सरप्राइज कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था और अच्छे खासे 90 रनों के बड़े मार्जिन से हराया था। नेट रेट का आसमान को छू रहा है तो टीम के पास अभी टूर्नामेंट की शुरुआत में एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज आ गया है अपने ग्रुप की बाकी टीमों के ऊपर जिस तरीके का इनका नेट रेट है और जिस तरीके से उन्होंने खेला भी है, बैटिंग हो बॉलिंग हो दोनों ही डिपार्टमेंट में जो कि इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए फर्म फेवरेट इनके सामने टीम थी ऑस्ट्रेलिया, उन्हें इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में पूरे तरीके से डोमिनेट किया था। फिर आयरलैंड के ऊपर इस मैच में भी नजरें रहेंगी, वैसे नजरें तो अफगानिस्तान की टीम के ऊपर भी रहेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने बॉलिंग में तो इंग्लैंड को अच्छी खासी टक्कर दी थी पर बैटिंग में बहुत ही बुरा इनका परफॉर्मेंस रहा था। पिच मुश्किल थी पर जिस तरीके से इंटेंट अफगानिस्तान ने शुरुआत में दिखाया था खासकर हजरतुल्लाह जजाई ने, वो कुछ भी समझ में नहीं आया। इंग्लैंड जैसी टीम के सामने आपको अटैकिंग खेलना ही पड़ता है और पिच कंडीशन जरूर अफगानिस्तान को सूट नहीं करती पर उसे आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते और मेरे ख्याल से अफगानिस्तान को बैटिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, बॉलिंग में उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। बॉलिंग अफगानिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ की थी। इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने जिस तरीके से इन्होंने फाइट दिखाई थी बहुत ही वो दर्शनीय थी, बहुत ही वो जबरदस्त परफॉर्मेंस इनका बॉलिंग में रहा था। ये मैच भी खेला था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही जाने वाला है तो यहाँ पे भी आप अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करते हैं तो न्यूजीलैंड भी वैसे अटैकिंग अप्रोच के साथ आजकल आ रहा है तो आप न्यूजीलैंड की तरफ से भी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एवरेज स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अफगानिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर नहीं है जो कि इस ग्राउंड पर काफी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। आपने देखा है यहाँ पर स्पिनर्स की पिटाई हो रही है तो शायद अफगानिस्तान की स्पिन इस ग्राउंड पर उतनी ज़्यादा काम नहीं आए तो ऐसे में न्यूजीलैंड से आप एक अच्छा खासा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अफगानिस्तान की बैटिंग वीक है, आप उन्हीं से ज़्यादा स्कोर एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो फिर लो स्कोर मुकाबला ही होगा। वैसे दोनों ही मैच में टारगेट चेस करना ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। वैसे इस वर्ल्ड कप में ज्यादा टॉस का इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, काफी मिक्स्ड किस्म के मैचेस देखने को मिले हैं। रिकॉर्ड चेजिंग या डिफेंडिंग के ज्यादा फेवर में नहीं है पर इस ग्राउंड के ऊपर शुरुआत में ज्यादा मूवमेंट है तो ऐसे में टारगेट चेस करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। टारगेट पता होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है। ये मैच मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड जीतेगा तो इस मैच का मेरा प्रेडिक्शन रहेगा न्यूजीलैंड। खैर आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।